स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड ए स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो चलिए आज फिर हम एक बहुत मजेदार चीज सीखते हैं जिसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को और मुझसे काफी बार पूछा भी है। तो चलिए आज बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करते हैं उनकी। तो ये दो वर्ड्स हैं हमारे इट्स और इट्स, दोनों प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन उसका डिफरेंस क्या है देखते हैं। तो पहला है हमारा वर्ड आई टी एस इट्स, दूसरा हमारा आई टी एपोस्ट्रोफ एस इट्स। तो इनमें मतलब क्या होता है, इसका एक डिफरेंस जो है वो क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है आई टी एस इट्स, इसका मतलब होता है, ये होता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। और पोसेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो अपना अपने अपना के सेंस देते हैं, अपनी अपना अपने इनका सेंस देते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे द कैट इज सर्चिंग इट्स फूड, मतलब बिल्ली अपना खाना खोज रही है। क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ हम अपने अपने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं और जब पॉसेसिव होता है तो इट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आई के साथ माई का इस्तेमाल करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन में, शी के साथ हर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह से हम कोई भी जानवर हो उसके लिए अपना अपने के लिए इट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था यूज इट्स का आई टी एस वाले का। अब दूसरे का इस्तेमाल देखते हैं आई टी एपोस्ट्रोफ एस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट प्लस is equals to its, apostrophe वाला it plus is equals to it apostrophe s, इसका भी मतलब its होता है। लेकिन इसका जो हिंदी मतलब होता है उसका मतलब होता है it यह है और is helping verb यह है। जैसे example है हमारा it is a good chair, यह एक अच्छी चेयर है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इट्स अ गुड चेयर। तो दोनों का ही मतलब एक है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको शॉर्ट किया है। और एपोस्ट्रोफ की लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस चीज को करने को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन करना। जब हम दो वर्ड्स को मिलाते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संकुचित करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उसी को हम एपोस्ट्रोफ के साथ जोड़ते हैं और उसका सेंस होता है हेल्पिंग वर्ब देना। जिस तरह से हमने लास्ट में किया था कि आई हैव, तो इसे अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा बनेगा आई वी, आई एम। अगर इसे करेंगे तो ये बनेगा आई एम, इस तरह से। तो ये हमारा होता है दोनों का डिफरेंस, इट्स का और इट्स का एपिसोड वाले इट्स का। तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, आपके लिए हमेशा ए स्टार ट्यूशन पॉइंट ए स्टार हमेशा हाजिर है। तो बने रहिए पेज के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पेज अच्छा लगे तो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए और देखते रहिए हमारी वीडियोज को। तब तक के लिए ए स्टार का गुड बाय।